नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के कुछ दो या तीन जबरदस्त उपाय देने वाली हूँ, जिसे करने मात्र से आपके रुके हुए कार्य जो है वो बनने लगेंगे। आपका बहुत पुराना कोई इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगा। अगर प्यार में दूरी आ गई है, अगर शादीशुदा जीवन में परेशानी है, अगर ससुराल पक्ष को लेकर आपके कुछ अनबन चल रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। साथ में मैं एक चीज और आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो भी उपाय मैं बता रही हूँ वो सिर्फ अच्छे कार्य के लिए कीजिएगा। एक बहुत ही सटीक चीज जो है, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं या फिर कहिए बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं, कि जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो इंसान उसी खड्डे में खुद गिरता है। तो इसीलिए अगर कोई भी किसी के लिए कुछ क्षति करने का सोचता है या फिर किसी का बुरा करने का सोचता है, चलो वो हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ समय के लिए वो इंसान सफलता पा लेता है, लेकिन यही उसका पतन का कारण होता है। लेकिन जो खड्डा उसने आपके लिए खोदा है उस खड्डे में उसे ही गिरना पड़ता है। तो इसीलिए किसी का बुरा करने का मत सोचिएगा। जो भी उपाय बताती हूँ सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉज के लिए कीजिएगा, दूसरे को भलाई के लिए कीजिएगा, अपनी भलाई के लिए कीजिएगा। देखेंगे आपके साथ ईश्वर हमेशा साथ देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, अंतरात्मा को चोट पहुंचाते हैं, तो याद रखिए आप ईश्वर को चोट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आप ईश्वर को आनंद दे सकते हैं, ईश्वर को खुशियां प्रदान कर सकते हैं, लेकिन चोट नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो भी उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रयोग के लिए कीजिएगा, अपनी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए कीजिएगा, ठीक है। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बिल्कुल दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके संतान के साथ कुछ गलत होता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी माता पिता होते हैं, क्योंकि संतान का कष्ट माता पिता नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरीके से ईश्वर माँ माता शक्ति है ना, तो ये जो है ये कभी अपने बच्चों का दुख दर्द नहीं देख सकती है। एक समय होता है, एक क्षण होता है जिसे गुजरना जरूर पड़ता है, लेकिन उसी प्रॉब्लम से भगवान हमें उद्धार भी करते हैं। तो इसीलिए विभिन्न विभिन्न तौर पर हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे त्योहार व्रत उपवास बताए गए हैं, उन्हीं में से एक है चैत्र नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि में आपकी बहुत पुरानी से पुरानी भी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं। तो वो उपाय में सबसे पहला उपाय मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए चैत्र नवरात्रि में लाल वस्त्र का बड़ा महत्व होता है। जब भी आप नवरात्र में पूजा करते हैं तो लाल आसन, माता को लाल चुनरी और खुद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा अगर करते हैं तो वो पूजा में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, अगर आप ये नवरात्र में पूरे नवरात्र माता को यानी माता दुर्गा को अगर आप एक गुलाब प्रत्येक दिन अर्पित करते हैं तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है और माँ आपकी हर कार्य को हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तीसरी बात, इस नवरात्र यानी शुरुआत के दिन से ही कोशिश कीजिए नवरात्र के 9 दिनों के अंदर या फिर पहले नवरात्र के पहले दिन में ही आप किसी भी चांदी की वस्तुओं का खरीदारी कर सकते हैं। अब चांदी की वस्तुओं में क्या क्या हो सकता है, आप भगवान को अर्पित करने के लिए कोई बेलपत्र या फिर कोई भी कटोरा, ग्लास, चम्मच या फिर कोई भी, अगर माता को आपको चांदी के कुछ गहने अर्पित करने हैं तो चांदी के गहने ही सही, लेकिन आप इस नवरात्र चांदी का कोई एक टुकड़ा ज़रूर खरीदिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अलग से मुझसे मत पूछिएगा ये खरीद सकते हैं कि नहीं, वो खरीद सकते हैं कि नहीं। जो भी खरीदिए, अगर आपको इच्छा है माता को अर्पित करने के लिए, तो माता या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप चांदी की हो इस नवरात्र जरूर खरीद कर आप 9 दिनों की पूजा में शामिल करिए और करने के बाद इसे माता को अर्पित कर दीजिए, ठीक है। चौथी चीज याद रखिए, खास तौर पर इस नवरात्रि माता को सुगंधित चीज भेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो आप कोई इत्र, गुलाब के इत्र माँ को भेंट में चढ़ा सकते हैं। पांचवी चीज, आप किसी 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, ठीक है, और साथ में उन्हें कुछ श्रृंगार की चीजें दे सकते हैं, वो आप विवाहित महिलाओं को भी दे सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप देखेंगे
बहुत ज्यादा आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आएगा और आपके जीवन में खुशियां जरूर आएगी। एक अंतिम उपाय जो महा उपाय है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, अगर कोई कार्य बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है या फिर कोई दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है, तो इस उपाय को करके देखिएगा, कभी भी फेल नहीं होगा। तो ये उपाय है कि हनुमान जी का 40 पाठ कीजिए प्रत्येक नवरात्रि के दिन में 7 करके। उस प्रॉब्लम को माँ के समक्ष रखिए जिस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर कोई शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप इस परेशानी को माँ को बोलकर कि ये परेशानी से आपको बाहर निकाले, इसके लिए नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी के दिन तक आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये पाठ आप याद रखिए, ये इतना प्रबल प्रयोग है जिसके उपयोग मात्र से आपके कोई भी कार्य जो है वो बिल्कुल सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये महा उपाय है, इसे करके देखिए और फिर आकर जरूर इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रयोग आप लोगों ने किया और इसका रिजल्ट आप लोगों को क्या मिला है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।